हाय डियर स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसा वर्ड्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है। ये वर्ड्स है यूज। इसको सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग जानते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम। आप तो फिर बोल सकते हैं तुम लोग, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं आप, या फिर आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका हिंदी मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, तुम लोग, आप और आप लोग में क्या अंतर है? वर्ड तो सिर्फ एक ही है यू, बट इसका हिंदी मीनिंग कितने आ रहे हैं? चार ठो आ रहे हैं। तुम आ रहा है, आप आ रहा है, तुम लोग आ रहा है, आप लोग आ रहा है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? चार ठो है। तो ये चार ठो हिंदी मीनिंग का हम लोग पहले मीनिंग को समझते हैं कि यू का हिंदी मीनिंग चार ठो होता है, क्यों होता है। ठीक है, तुम का मतलब होता है हमसे अगर कोई छोटा व्यक्ति हो, अगर हमसे कोई छोटा व्यक्ति हो या तो आपसे कोई छोटा व्यक्ति, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम बोलते हैं। अगर तुमसे छोटा व्यक्ति और बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग वहां पे क्या बोलते हैं? तुम लोग बोलते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति और हम उससे बात कर रहे हैं तो हम लोग उससे क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। उसको रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हैं तो क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। अगर वहां पे बहुत सारे लोग हैं हमसे बड़े हैं, या तो फिर छोटे हो या बड़े हो, और वहां पे दोनों मिक्स हो, तो हम लोग वहां पे सिर्फ क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे। यानी कि बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग आप लोग बोलेंगे। अगर वहां पे सिर्फ छोटे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं तो वहां पे हम तुम लोग बोल सकते हैं। अगर हमसे कोई छोटे लोग हैं और हम उन लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा? तुम लोग बोलूंगा। बट वहां पे अगर हमसे सब सीनियर लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं उम्र में, और उसको हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे। या तो सिर्फ एक व्यक्ति से अगर हम बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या तो सामने से बात कर रहे हैं, अगर वो हमसे उम्र में बड़ी हो तो हम लोग उसको रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं। तो इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि इसका मीनिंग चार्टो क्यों होता है। इंग्लिश में तो सिर्फ यू ही होता है, चारों का इंग्लिश मीनिंग सिर्फ एक ही वर्ड क्या है? यू है। बट हिंदी में क्या चार्टो मीनिंग निकल रहा है? तो तुम मतलब क्या? हमसे कोई छोटा व्यक्ति, एक व्यक्ति हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुम लोग तुम बोलते हैं। अगर बहुत सारे लोग हमसे छोटे तो हम क्या बोलते हैं? तुम लोग बोलते हैं। अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, हम उससे बात करें, सिर्फ एक ही व्यक्ति, अगर एक ही आदमी, तो हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। अगर हमसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े हैं, सीनियर है, तो उसको अगर हम उससे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, या तो सामने से बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं, क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इज्जत करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं। अब इसका जो इंग्लिश मीनिंग है सिर्फ यू ही होता है, यानी कि हिंदी तो चार्ट हुआ है, बट इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग जो सिर्फ क्या है? एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड जो सिर्फ जिसका मीनिंग सिर्फ यू ही होता है। अब यू ही क्यों होता है? ये चारों का सिर्फ एक ही मीनिंग हम लोग को जानना है कि सिर्फ यू होता है। अब इसको हम लोग पुलर नहीं बना सकते। जैसे बहुत सारे लोग हैं, यानी कि तुम लोग हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पे हम लोग उसको सिंगलर ही बनाते हैं, पुलर बनाते हैं। अगर सिंगलर हो तो हम उसको पुलर बनाते हैं। बट एक ऐसा वर्ड है, ये दोनों है, सिंगलर भी है और पुलर भी है। क्या है? यानी कि सिंगलर भी है, पुलर भी है। एक ऐसा वर्ड है जो सिंगलर भी है और पुलर भी है। इसके साथ जो हमेशा इसे क्या यूज होता है? आर का यूज होता है। इसके साथ इज एम का प्रयोग कभी नहीं करना, नहीं तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके साथ हमेशा क्या होता है? आर का ही प्रयोग होता है। वहां तो सिंगलर हो या तो फुलर हो, बट ये क्या है? दोनों है। बट सिंगलर होता है तो हम वहां पे इज का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। बट उसके इसके साथ यू एक ऐसा वर्ड जिसके साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। वहां पे तुम हो या तो तुम लोग हो, या तो आप हो, या तो आप लोग आने आने के, वहां पे कोई भी हिंदी का कोई भी वर्ड हो, वहां पे सिर्फ क्या ही प्रयोग होगा? आर का ही प्रयोग होगा। यानी कि यू के साथ हमेशा क्या होगा? आर का ही प्रयोग होगा। तो हम लोग क्या जाने? इसका मीनिंग के मीनिंग को हम लोग जाने, फिर इसका हम लोग ये चीज जाने कि आर का प्रयोग होता है और एक यू एक ऐसा वर्ड है जो क्या है? ये सिंगुलर भी है और पुरलर भी है। क्या? सिंगुलर भी है, पुरलर भी। यानी कि हम लोग को समझना है कि यू एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश ग्रामर का जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है इंग्लिश ग्रामर में। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो चार्ट होता है। तुम बोल सकते हैं अगर कोई अकेला है, या तुम लोग बोल सकते हैं जब बहुत सारे लोग हैं, अगर आप बोलते हैं जब वहां पे कोई एक व्यक्ति, तो हम लोग आप बोलते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति हमसे बड़े हैं, हम लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे। और यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, जो एक ऐसा ही वर्ड है, यानी कि लोता वर्ड है इंग्लिश ग्रामर का, जिसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। और ये सिंगुलर भी है, पुरलर भी है। इसको सिंगुलर पुरलर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में क्या है? सिंगुलर भी है, पुरलर भी। हम लोग वर्ड के अनुसार, यानी कि उसके सेंटेंस के अनुसार हम लोग को समझना है कि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, पुरलर की बात हो रही है या सिंगुलर की बात हो रही है। और इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। इसके साथ कभी एम इज आर का प्रयोग नहीं होगा, या तो वाज का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? आर का प्रयोग होगा। यानी कि यहाँ पे अगर पास्ट में हो तो क्या होगा?
वेयर का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा, यानी कि पास्ट में हो, अगर पास्ट में सेंटेंस का जिक्र हो रहा हो तो वहां पे क्या होगा, वेयर का प्रयोग होगा। अगर अगर वर्तमान का प्रयोग चर्चा हो रही हो तो वहां पे क्या होगा, आर का प्रयोग होगा। अगर अगर फ्यूचर की बात हो तो क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग होगा, क्या होगा, विल का प्रयोग होगा, क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। यानी कि इसके साथ जो है हमेशा क्या है, पुलर का प्रयोग होगा, सिंगलर का प्रयोग होगा ही नहीं, बट क्या है, सिंगलर है, बट वहां उसके साथ हमेशा पुलर वर्ड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि एक सिंगलर भी है, पुलर है, इसको बनाने की जरूरत नहीं इसके साथ, यानी जैसे एम क्या और इज क्या, क्या एक सिंगलर वर्ड है, क्या सिंगलर वर्ड, बट इसके साथ यार का प्रयोग है, आर क्या एक पुलर है, उसी तरह से वाज क्या है, एक सिंगलर वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ क्या होगा, वर का प्रयोग है, वाज का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे सेल है क्या, एक सिंगलर है, बट इसके साथ क्या होगा, विल का ही प्रयोग है, सिंगलर में रहे या पुलर में रहे, हमेशा क्या होगा, पुलर ही वर्ड का प्रयोग होगा, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हम लोग और बेहतर में समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं पहला सेंटेंस, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यहां पे जो है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, वहां पे मैं बोल सकता हूं तुम लोगों से बोल सकता हूं, तुम लोगों से बोल सकता हूं, या तो फिर आप बोल सकता हूं, या तो फिर आप लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ, यू का यूज हुआ, क्या हुआ, यू का, यू के साथ हम लोग कोई भी मीनिंग लगा सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, तुम लोग भी बोल सकते हैं, आप लोग भी बोल सकते हैं, या तो आप भी बोल सकते हैं। वहां पे कितने व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, किसके साथ हम क्या बोल रहे हैं, उसके साथ हम लोग तुम, या तो तुम लोग, या तो आप लोग का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एक और सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, तुम कहां जा रहे हो, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। इसी को हम लोग फिर क्या बोल सकते हैं, तुम लोग बोल सकते हैं, तुम लोग कहां जा रहे हो, या तो फिर बोल सकते हैं आप, या तो आप लोग कहां जा रहे हैं, आप लोग कहां जा रहे हैं। यानी कि हमको सिंपल में समझना है कि यू एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग क्या बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, तुम लोग भी बोल सकते हैं, तुम और तुम लोग क्या, कब बोलना है, जब तुम बोलेंगे, जब वो अकेला व्यक्ति की बात हो रहा, तो वहां पे बहुत सारे व्यक्ति की बात हो रहा, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, तुम लोग बोलेंगे। अगर एक व्यक्ति का बात हो रहा, हमसे सीनियर है, उम्र में हमसे बड़ी हो, उसको हम लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे। अगर वहां पे बहुत सारे वर्ड लोग हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, और हम लोग उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे। हम लोग को सिंपल में समझना है कि यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगलर भी पुलर है, उसका वर्ड जो है हिंदी में बहुत सारे होते हैं, उसके अनुसार बोलना होता है। हम लोग अगर कोई हमसे बड़े हो, रिस्पेक्ट हमको उसको देना है, हमसे उम्र सीनियर हो, बड़े हो, तो हम लोग आप, या तो आप लोग बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे जब बहुत सारे लोग होंगे, और अगर बहुत सारे बहुत कम लोग होंगे और हमसे छोटे होंगे, यानी एक व्यक्ति की बात हो तो तुम बोलेंगे, अगर हमसे छोटे और बहुत सारे लोग हैं तो हम लोग वहां पे तुम लोग बोलेंगे। इसके साथ हमेशा आर और वर और सेल का प्रयोग होता है, और ये सिंगलर भी है और पुलर भी, एक ऐसा वर्ड है जो सिंगलर पुलर दोनों है। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।